हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर फोटोशॉप वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक थंबनेल में बेसिक टेक्स्ट कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, कैसे अपने टेक्स्ट को तुम अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लेट्स बिगिन। बहुत से जन अपने थंबनेल में टेक्स्ट को यहाँ पे या तो यहाँ पे प्लेस करते हैं, बट यू शुड इंस्टेड प्लेस योर टेक्स्ट इन द सेंटर लाइक दिस। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना होता है, बट फॉन्ट्स लाइक अकीरा एक्सपांडेड आर नॉट मेड फॉर सच पोजिशन। सो उसके लिए मेरे पास एक नया फॉन्ट है जिसका नाम है सुपरलाइन। सो मैं सुपरलाइन टेक्स्ट को सुपरलाइन फॉन्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट को स्केल अप करूंगा लाइक दिस। सो ज़्यादा जगह भी भर गया एंड द फॉन्ट लुक्स गुड, द ओवरऑल थंबनेल विल लुक गुड। Now, if your subject is in the center, you can place your text in the center here. But यहाँ पे ऐसे hide the text अच्छे नहीं लगेंगे. So, instead of using such font, you can use jumper. I'll hit Ctrl T, Ctrl Alt and scale it up like this. Now, as you can see, this font looks much better than the previous font. I'll simply add a new layer below my text layer. Select my brush tool. I'll make sure कि उसका hardness 0 है and ब्रश का साइज बढ़ा करके ब्लैक कलर सिलेक्ट करके आई डू अ विनियट ओवर हियर। कंट्रोल टी, स्केल दिस अप, प्लेस इट वेर एवर आई वॉन्ट। अनदर प्लेस टू पुट अप योर टेक्स्ट इज बिहाइंड द सब्जेक्ट, बट एट टाइम्स क्या हो जाता है कि तुम्हारे सर के पीछे जो टेक्स्ट आता है वो छुप जाता है। सो वॉट यू कैन डू हियर इज मेक अ न्यू लेयर ऑफ द सेम टेक्स्ट, कंट्रोल जे दबा के पुट दिस लेयर अबाव योर सब्जेक्ट लेयर, डबल क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन स्ट्रोक, click on blending options, fill opacity 0, adjust your stroke and then ye upar wale layer ko right click karke make it rasterize layer style, click on mask, black color select karke apne brush se jo area mein tumhe wo o nahi chahiye aur r wala jo text hai wahan pe tumhe black color marna hai, if you think yahan pe tumhe wapas chahiye to white color se ise wapas la sakte ho। now the viewers who are watching this thumbnail will know yahan pe o aur r hai। Now most of the people get confused कि तुम्हारा जो टेक्स्ट का कलर है वो कौन सा कलर का रहना चाहिए। So basically if your background is dark, your text should be lighter. If your text is dark, your background should be lighter. So ऐसी टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, तुम थोड़ा स्मार्ट मूव करना है तुम्हें, अपने टेक्स्ट के नीचे एक नया लेयर बनाओ एंड जस्ट एड अ रेक्टेंगल। अब इसका कलर तुम चाहिए तो यही सेम रख सकते हो, विच विल अगेन लुक गुड। तो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज कि कलर कौन सा यूज करना है उनको टेक्स्ट में, उनको व्हाइट पसंद नहीं आता। मैं तो पर्सनली व्हाइट ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे झंझट ही नहीं चाहिए दूसरा कलर कोई चेक करने का। बट यू कैन कम टू दिस वेबसाइट जिसका नाम है कलर हंट, यहाँ पे क्लिक ऑन दिस पैलेट, क्लिक ऑन दिस कोड, यहाँ पे कलर फिल जो मैंने दिया ना इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये जो हैशटैग है इसमें ये मैं पेस्ट करूंगा एंड आई हिट ओके। आई टैप करके मैं चेक करूंगा इसके ऊपर का कलर या तो नीचे का कलर कोई भी। सो आई गो विद द ये वाला कलर, इसके ऊपर मैं क्लिक करके वापस टेक्स्ट को वो कलर दूंगा मैं। बट जस्ट कीप इन माइंड कि ये तुम्हारा जो टेक्स्ट कलर है ये बैकग्राउंड से डिफरेंट होना चाहिए। एज यू कैन सी इन मेनी थंबनेल्स मैं ऐसा ब्लैक कलर का ड्रॉप शैडो दे देता हूँ सो दैट मेरा टेक्स्ट उठ के दिखे भले बैकग्राउंड ब्राइट हो। यहाँ पे मैंने डार्कर स्मोक ऐड किया अपने टेक्स्ट के नीचे और टेक्स्ट को एक ड्रॉप शैडो दिया जिसके वजह से मेरा टेक्स्ट जो है वो उठ के दिख रहा है। एज यू कैन सी इफ आई एम एडिंग व्हाइट कलर ओवर हियर, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके टेक्स्ट पे यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड करूंगा, बट आई विल मेक श्योर इसका जो स्प्रेड है वो कम है, साइज थोड़ा सा ज्यादा है एंड कलर इसका ब्लैक है एंड आई विल मेक श्योर कि इसका जो ओपेसिटी है वो और ज्यादा कम है। सो एज यू कैन सी देयर इज अ स्लाइट ड्रॉप शैडो एडेड बिलो माय टेक्स्ट जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है मेरे टेक्स्ट को। अनदर वे इफ यू आर यूजिंग अ कॉमिकल टेक्स्ट लाइक लकीएस्ट गाय, यू कैन ऐड योर ड्रॉप शैडो लाइक दिस। क्लिक ऑन ड्रॉप शैडो, इंक्रीज द स्प्रेड 200, ओपेसिटी 200, मेक दिस कलर मे बी ये बैकग्राउंड के कलर से थोड़ा सा डार्क कर देता हूं मैं एंड देन ये वाला प्लस पे क्लिक करके आई एड अनदर ड्रॉप शैडो जिसका कलर है ब्लैक एंड उसका डिस्टेंस मैं इंक्रीज कर दूंगा। सो ऐसे काफ़ी टेक्स्ट इफेक्ट्स मैं यूज़ करते रहता हूँ अपने थंबनेल्स में। एज यू कैन सी ओवर हियर इन सम थंबनेल्स तुम्हें टेक्स्ट का जो पोजीशन है वो तुम्हारे डिफॉल्ट पोजीशन से अलग भी प्लेस करना पड़ेगा, बट देन जस्ट मेक श्योर कि वो इनफ स्पेस कवर कर रहे हैं एंड दे आर रीडेबल। या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू डिड मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब एंड रात वाली स्ट्रीम पर जरूर आना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।